हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, हमने 100 क्लोज टेस्ट के लिए आपका एक सीरीज अपलोड किया था, क्लोज टेस्ट के कुछ रूल्स का। यस गाइस, जिसका मैं पार्ट वन अपलोड कर चुका था और पार्ट टू अपलोड करने में बहुत समय लग गया बच्चों। क्यों लग गया बच्चों? यहाँ जिस स्टूडियो से बैठ करके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, उस स्टूडियो में वर्क चल रहा था। फिर कल मैं देहरादून था बच्चों, इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। इसी वजह से ये 2-3 दिन आपके लिए लेट हो गए। लेकिन आज ये पार्ट टू आपके लिए बच्चों स्पेशल, क्लोज टेस्ट की कुछ ट्रिक्स यहाँ पे मैं और बताने वाला हूँ बच्चों। मैंने अभी तक आपको क्लोज टेस्ट के लिए डिटरमाइनर से संबंधित सभी ट्रिक्स बताई। आज जो ट्रिक्स आपके सामने हैं वो है कंजक्शन से संबंधित, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा वर्ब से संबंधित ट्रिक्स। यस गाइस, फिर मैं उसके बाद आपको बताने वाला हूँ कि वर्ब से संबंधित क्या क्या पैटर्न आपको फॉलो करने होंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। यस, यहाँ आपके पास दो तरह की कंजक्शन रहती है बच्चों क्लोज टेस्ट में जो प्रसारण करती हैं। पहली है कंजक्शन ऑफ रीजन, दूसरी है कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, ये तो चलो कोई बड़ी बात नहीं, इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इतना ज़्यादा टॉपिक डरावना नहीं है। इससे ज़्यादा डरावनी बात अगली होगी, जो पहले इसको देख लें आप लोग। कंजक्शन ऑफ रीजन यानी कि एज बिकॉज फॉर, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट सो हैंस देयर फॉर। यस गाइस, यानी कि कंजक्शन ऑफ रीजन कारण बताने वाले और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट परिणाम बताने वाले कंजक्शन। यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लोज टेस्ट में इससे लेकर के दी जाती है बच्चों। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सो गाइस, यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी आपको छोटी सी, और आपके हाथ में होगी बात, कब्जे में होगी आपके बात। क्या सब बरतने की सावधानी, जरा उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ एक सेंटेंस मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, मैंने कहा ही वॉज इल और ही वेंट टू डॉक्टर। यहाँ सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में ये पता लगाना होगा कि इसमें कारण कौन सा है। वह बीमार था, वह डॉक्टर के गया। दो सेंटेंस अलग अलग है बच्चों, एक सेंटेंस नहीं है इनको। अब मुझे कंबाइंड करना है तो कैसे कंबाइंड करते गाइस, उसके लिए ज़रा समझिए ध्यान से। देखिए, पहला सेंटेंस तो आपका ये, रीज़न क्या है बच्चों कि वह बीमार था। क्या है रीज़न? बीमार था, और रिजल्ट यह है कि वह डॉक्टर के गया। यस गाइस, तो यहाँ एग्जाम में क्या प्रॉब्लम देता है आपको वो, अगर वो इससे पहले लगा रहा है, इससे पहले कोई कंजक्शन लगा रहा है तो इधर वाली, और अगर इससे पहले कंजक्शन लगाना चाह रहा है तो इधर वाली कंजक्शन लगेंगी। एक ही सेंटेंस में दो कंजक्शन नहीं लगेंगी, जरा समझिए बात को पहले ढंग से। मैंने कहा एज ही वॉज इल ही वेंट टू डॉक्टर, वह क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के गया। इस एज की जगह आप लोग फोर भी लगा सकते थे, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह डॉक्टर गया। इस फोर की जगह आप लोग बिकॉज भी लगा सकते थे, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के गया। अब गाइस, यहाँ पे अगर आपको बनाना है सेंटेंस इससे, तो आप ऐसे बनाएंगे ही वॉज इल देयर फोर ही वेंट टू डॉक्टर, ही वेंट टू डॉक्टर। देयर फोर की जगह आप हैंस भी लगा सकते हैं, और इसके जगह आप सो भी लगा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपने देखा पूरा पूरा मसला क्या चल रहा है। ही वॉज इल देयर फोर ही वेंट टू डॉक्टर, बिकॉज ये कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, परिणाम बताने वाले कंजक्शन है, तो परिणाम बताने वाले शब्दों से पहले हैं। वो कंजक्शन ऑफ रीजन थी, तो कंजक्शन ऑफ रीजन से पहले थी, यानी कि रीजन बताने वाले सेंटेंस से पहले थी। अब एग्जाम में आपको यहीं से ही थोड़ा सा अपना डाउट क्लियर करना होगा कि इनमें से कौन सी कंजक्शन कहाँ पर आपकी आनी है। और इससे भी ज़्यादा जो डरावनी बात है वो अगली है, क्योंकि वो कंजक्शन है ही नहीं लेकिन लगती देखने में कंजक्शन जैसी हैं। यस गाइस, मैं उसको भी यहीं लिख के देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगी बात क्या करनी है हमें। गाइस, ये चार कंजक्शन जो देखने में लग रही है कंजक्शन जैसी, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ये चारों भी आपके बच्चों कारण बताने वाले शब्दों के परे लगती हैं। कारण बताने वाले शब्द हैं ये, क्या बच्चों आपके ये कारण बताने वाले शब्द हैं, लेकिन बच्चों ये कंजक्शन नहीं है, ये आपके प्रपोजिशन है। क्या बच्चों? ये प्रपोजिशन है।
और प्रीपोजिशन का काम सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ना नहीं है, शब्द से शब्द को जोड़ना है। यस गाइस, जरा देखें यहाँ पे सेंटेंस अगर बनता है तो इनसे कैसे सेंटेंस बनेगा। यहां पर भी बच्चों के सामने कंफ्यूजन हो सकती है। मैंने कहा ही वॉज इल, कैसे बनाएंगे आप बनाइए, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही वेंट टू डॉक्टर, अपनी बीमारी की वजह से वह डॉक्टर के पास गया। यहां पर आपने बिकॉज ऑफ, बच्चों हमेशा ध्यान रखें जितनी भी हमारे प्रपोजिशन हैं उनके बाद कभी सेंटेंस बनने को हिम्मत करना। इस गाइस प्रपोजिशन से मैं सिर्फ आपको यही एक सलाह दूंगा कि आप पकड़ना सीखें कि प्रपोजिशन कब प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन कब आपकी कंजक्शन है। प्रपोजिशन एकदम अपना छुटकियों में रूल बदल देती है। वो कैसे रूल बदल देती है बच्चों, जरा उसको समझे ध्यान से। एक बड़ा प्यारा सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, सोच रहा हूँ कि बता दूँ आपको, क्यों गाइस, सोचता हूँ बस। और गाइस सुबह से दो नोटिफिकेशन एसएससी स्टेनो के लिए मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी देख लीजिएगा। और जैसे भी मुझे लगता है नोटिफिकेशन कोई आएगा आपके एग्ज़ाम को लेकर के, मैं तुरंत आपको अपडेट करूँगा। आप अपडेट रहिए बच्चों मेरे साथ में, और चैनल पर बार बार विजिट करते रहिएगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे चैनल पर बार बार विजिट, तो आप चैनल को एक बार में ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दीजिएगा। आपको मैं कंटिन्यूटी के साथ में अपडेट देता रहूँगा कि एग्ज़ाम कब होगा और कब नहीं होगा, क्योंकि अभी तक एसएससी ने ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं किया है बच्चों, तो हमें यहाँ पे अपनी तरफ से अपडेट रहना होगा। ओके गाइस, तो फिलहाल गाइस यहाँ पे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता रहा था कि प्रिपरेशन के साथ में क्या फंडा है। जैसे कि आपका कोई भी वर्ड है, बिफोर ही है या फिर आफ्टर ही है या फिर फोर ही है या फिर टिल है, बहुत सारी बच्चों ऐसी प्रिपरेशन है जो आपके प्रपोजिशन और कंजक्शन दोनों तरह से काम करती हैं। कभी ये प्रपोजिशन है, कभी ये कंजक्शन है, कभी ये प्रपोजिशन है, कभी ये कंजक्शन है। यस, कभी ये इधर की, कभी ये उधर की करती है। जरा देखें ध्यान से कहाँ पर कंजक्शन है, कहाँ पर ये प्रपोजिशन है, और आप कैसे पहचाने के एग्जाम में कि कब ये प्रपोजिशन है और कब ये कंजक्शन है। लाइक मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई रीच्ड देयर बिफोर लॉन्ग, आई रीच देयर बिफोर लॉन्ग, मैं वहाँ बहुत पहले पहुँच गया, मैं वहाँ बहुत पहले पहुँच गया। अगला सेंटेंस देखेगा, आई हैड रीच्ड देयर बिफोर शी केम, मैं वहाँ उसके आने से पहले ही पहुँच गया। अब गाइस यहाँ दोनों सेंटेंसेस में एक छोटा सा मसला ये ध्यान रखें, वैसे तो मेरे पास रेड मार्कर भी है भाई, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, बस कर दें खर्च थोड़ा बहुत बच्चों। मुझे यहाँ पर रेड मार्कर से दिखेगा नहीं मुझे ऐसा लगता है, बाकी मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर गोला बना रहा हूँ, सर्कल सर्कल दिखते हैं धीरे धीरे। यस गाइस, गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले बिफोर के दोनों तरफ आपके एक वर्ब है। क्या है गाइस, वर्ब है, इधर भी वर्ब है और इधर भी वर्ब है। इसका मतलब बच्चों ये आपका प्रपोजिशन नहीं, ये आपका कंजक्शन है, क्योंकि इसके दोनों तरफ आपका एक सेंटेंस है, ये आपका एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। इधर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ये कंजक्शन है। उधर वाले के पास एक ही तरफ वर्ब है, दूसरी तरफ वर्ब नहीं है, ये आपका प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक मैंने आपको दे दी कि प्रपोजिशन शब्दों से शब्दों को जोड़ता है, कंजक्शन सेंटेंसेस से सेंटेंसेस को जोड़ता है। पहली बात तो ये। यस गाइस, अगर दोनों तरफ आपके सेंटेंस दिए गए हैं तो आप समझिएगा कि दिया गया वर्ब वर्ड जो है आपका वो कंजक्शन है, और अगर एक ही तरफ वर्ब दी गई है, सब्जेक्ट दिया गया है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, आप समझिएगा कि दिया गया वर्ड आपका प्रपोजिशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है ही प्रपोजिशन और कंजक्शन के डाउट को लेकर के। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर और छोटी छोटी सी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा, ऐसी प्यारी प्यारी, और क्लोज टेस्ट करने सिखाऊंगा आपको बच्चों में बहुत शानदार तरीके से, चिंता ना करें। ईश्वर ने चाहा तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा आपके पास में। गाइस कंजक्शन से जरा एक और बात देखें अपने ध्यान से, कई बार यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कॉन्ट्राडिक्शन बच्चों, ये पहली बात तो ये वर्ड अपने आप में एक बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट, क्या होता है अपोजिट। डिक्ट का मतलब होता है कहना, यानी कि से। ओके गाइस, यानी कि किसी के अपोजिट कोई बात कहना, किसी के अपोजिट कोई बात कहना, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट करना। यस, वह बहुत मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं हो पाया, उसने कुछ भी नहीं करा उसकी नौकरी लग गई, ये आपके दो विरोधाभास सेंटेंस है। यस गाइस, तो यहां पे मैंने कहा जैसे कि सेंटेंस, आई वॉज इल, मैं बीमार था, खत्म बात, फुल स्टॉप। आई
wanted to go for picnic. मैं पिकनिक पर जाना चाहता था. सो गाइस, मैं बीमार था, मैं पिकनिक पर जाना चाहता था. ये आपका कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट से जुड़ने वाला सेंटेंस नहीं है, ये आपका कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से जुड़ने वाला सेंटेंस है. मैं बीमार हूँ उसके बावजूद भी मैं मंदिर जाना चाहता हूँ. ऐसे में गाइस जो हम सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, वो सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे हम लोग दो, ऑल्दो और इवन दो से. किससे करेंगे बच्चों? दो, ऑल्दो और इवन दो से. यस गाइस, यहां पर इनसे कनेक्ट करना है सेंटेंस. सो गाइस, दो, ऑल्दो, इवन दो, ये आपके विरोधाभास शब्द हैं. ध्यान देना बच्चों, इन्हीं के भाई ब्यारे चलते हैं आपके पास पीछे, जो कि कंजक्शन नहीं प्रपोजिशन है. लेकिन फिलहाल इनको समझ लें, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा. तो यहां ये जो सेंटेंस कनेक्ट होगा हमारा, सेंटेंस कनेक्ट होगा दो से, ऑल्दो से या फिर इवन दो से. ऑल्दो जिससे मर्जी कर लेना बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तीनों एक जैसी कंजक्शन काम करती हैं. ऑल्दो आई वॉज इल कोमा आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक. अब यहां एक मुसीबत और ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से ये जो वर्ड मैंने लिखे आपको दिख रहे हैं बच्चों रेड पेन से? नहीं दिख रहे हैं तो सुन लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं कंटिन्यूटी के साथ में. ये जो मैंने तीन वर्ड लिखे आपके, दो, ऑल्दो, इवन दो, ये कंजक्शन तो है ही, साथ में इनकी वाइफ भी कंजक्शन ही है. यस, इनके साथ में इनकी वाइफ ही आएगी, किसी और को पसंद नहीं करते आना. तो गाइस इनके साथ में इनकी वाइफ आती है, कोमा या फिर यट, कोमा या फिर यट. ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर था. कई बार बच्चे इनके साथ में जो है बट का इस्तेमाल कर जाते हैं. किसका इस्तेमाल कर जाते हैं? बट का. यस, नो इफ नो बट ओनली यट. यस गाइस, यहां पर इनके साथ में आपको यट का इस्तेमाल करना होगा, तो जाकर के बात बनने वाली है गाइस. यहां पर दो, ऑल्दो, इवन दो के साथ में हम लोग यट या कोमा का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कई बार वो नहीं भी करता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ऑल्दो आई वॉज इल आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक. दो, आई वॉज इल आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक. इवन दो, आई वॉज इल आई वॉन्टेड टू गो फॉर पिकनिक. यस गाइस, यहां पर सेंटेंस में विरोधाभास की भावना के लिए हमने कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल किया. साथ ही साथ यहाँ पे कुछ वर्ड है प्रपोजिशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो देखने में इन्हीं कैसे लगते हैं, लेकिन वो इनके जैसे है नहीं बच्चों. उनको समझिए कौन है. यहां ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ओनली, नॉट विद स्टैंडिंग, ये मीनिंग में वही काम करेंगे जो मीनिंग में ऑल्दो, दो, इवन दो कर रहे थे. लेकिन ये बच्चे यूजेज में अलग है, क्योंकि ये प्रपोजिशन है और वो कंजक्शन थे. इनके साथ आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ और रखते हैं, उनके साथ में सेंटेंस का फॉर्मेशन आप कुछ और रखते हैं. क्लोज टेस्ट करते वक्त हमें यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सभी तरफ से खुल के बैठना होगा गाइज, तभी आप क्लोज टेस्ट पकड़ बना पाएंगे. अपने आप को तीनों आंखें खुल के रखिए बच्चों, सभी आप पकड़ बनाए पड़ेंगे, अच्छे से पकड़ बना पाएंगे. मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ माई इलनेस आई वॉन्टेड टू गो फॉर पिकनिक. गाइज, मेरी बीमारी होने के बावजूद भी मैं पिकनिक पे जाना चाहता था. यस गाइस, तो यहाँ आप लोग ध्यान रखें, इनका मतलब भी वही है जो उनका मतलब था. ये भी विरोधाभास के लिए लगते हैं, वो भी विरोधाभास के लिए लगते हैं, लेकिन ये प्रपोजिशन है माय डियर, वो आपके कंजक्शन थे. इनके बाद वाले पार्ट में सेंटेंस नहीं आ सकता है. यस गाइस, नेक्स्ट पार्ट में भले आपका सेंटेंस आ जाए, लेकिन इनके बाद वाले पार्ट में आपका सेंटेंस पूरा का पूरा नहीं आएगा. ये फॉर्मेशन आपके ग्रामर का नहीं है. ओके गाइस, यहां पर मैं आपको कंजक्शन से रिलेटेड कुछ रूल बता रहा हूं. बड़े प्यारे प्यारे रूल है बच्चों ये, कंजक्शन से संबंधित आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी और मैं कुछ आपको बताने वाला हूं गाइस. यहां पे वर्ब से संबंधित कुछ नियम समझे अब आप, जो आपके एग्जाम परेशान कर सकते हैं. सबसे पहले आपको ये चार चीजें समझनी होंगी वर्ब से संबंधित, जो बेहद जरूरी है आपके लिए. हालांकि इसको मैंने आपको पार्ट वन में भी थोड़ा सा क्लियर किया था, लेकिन यहां भी आप नाम को क्लियर करते हुए चले. पहली बात आपको समझनी होगी बी की फैमिली, डू की फैमिली, हैव की फैमिली, मॉडल वर्ब. ये चार चीजें आपको याद रखनी होंगी, बी की फैमिली, डू की फैमिली, हैव की फैमिली, मॉडल वर्ब. यस गाइस, यहां पर जो बी की फैमिली है उसमें आपका रहने वाला है इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, बीइंग. ये आठ परिवार का मेंबर है, इसका आठ मेंबरों का परिवार है. सॉरी, डू वाली फैमिली में डू, डज, डिड, तीन मेंबर्स का फैमिली है. हैव,
हैज हैड और मॉडल वर्ब में अच्छे खासे आपके 10 मेंबर हैं विल शैल कैन मे वुड शुड कुड माइट और मस्ट और डू। यस गाइस, यहाँ पर ये इसके परिवार में 10 मेंबर हैं और वहाँ उसके परिवार में 8 मेंबर हैं, यहाँ इसके परिवार में 3 मेंबर हैं, यहाँ इसके परिवार में 3 मेंबर हैं। इनसे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके साथ में या तो आपकी आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो मेन प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है। दूसरी बात, मॉडल वर्ब से मैंने आपको पहले बताया कि एक ही सेंटेंस में दो एक साथ नहीं आएंगी, एक ही सेंटेंस में दो एक साथ नहीं आएंगी। और बहुत डीपली अगर आपको पढ़ना है मॉडल वर्ब को कि विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा, कैन कहाँ आएगा, मे कहाँ आएगा, माइट शुड कुड ये सब कहाँ आएंगे, इसके लिए हमारा एक सीरीज चल रहा है वर्ब फ्रॉम पैरामाउंट बुक। उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। वहाँ मैंने बहुत बेसिक से समझाया इसको, बुक से काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हुए मैंने आपको समझाई हैं, वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली अगर मैं चैप्टर में घुस जाऊँगा लेकर के तो फिर आपके लिए ट्रिक्स क्या रह जाएंगी। यहाँ मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ ऊपर का कि ऐसे ऐसे करके यहाँ से कुछ नियम आने हैं आपको, उनको ऐसे ऐसे करके पकड़ना है। अब मैं अगर मॉडल वर्ब पढ़ाने बैठ जाऊँ तो ये टॉपिक तो पूरा मॉडल वर्ब के बाहर नहीं हो जाएगा, नाम हो जाएगा बच्चों, तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा सनम, यहाँ पे तो आपका तेरे नाम हमने किया है, मॉडल वर्ब के नाम हमने कर दिया अपना बच्चों, आज का पूरा लेक्चर नहीं चलने वाला काम बच्चों, हमसे ना हो पाएगा। आप लोगों के लिए मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है वर्ब का फ्रॉम पैरामाउंट बुक, आप उसे डाउनलोड करके देख लेना। अगर ऐसी बात है नहीं बढ़ाने, मेरी व्यूज़ मत बढ़ाइए बच्चों, आप उससे प्यार करते हैं मुझे पता है, व्यूज़ बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब भी करके जाएंगे। सो गाइस, यहाँ आप इसको वहाँ से कवर कीजिएगा, मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ आगे, बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे साथ साथ। ये एक सेंटेंस मैंने एग्जाम से चुराया, कह रहा कि द स्कूल शैल डैश ऑल द फॉर्म्स, एग्जाम का सेंटेंस है, शैल लगाया, शैल लगा रहने दो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक पूरे क्लोज टेस्ट में आया हुआ मैंने एक सेंटेंस चुपके चुराया और आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आपको यहाँ देखना है कि कौन सी फॉर्म में फिल करूँ, मैं कौन सी फॉर्म फिल करूँ, मेरे दिमाग में हो रही है ठस ठस। चलिए कोई बात नहीं, ठस ठस खत्म करते हैं। आपको पता है बच्चों, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की आया करती है फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म आया करती है बच्चों, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। यहाँ उसने लगा दिया है एस या एस, ये रेस से बाहर हुआ। यहाँ उसने लगा दिया सेकंड फॉर्म, ये रेस से बाहर हुआ। यहाँ लगा दिया उसने एनजी फॉर्म, ये रेस से बाहर हुआ। और ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये रेस में शामिल हुआ। सो गाइस, यहाँ आप लोगों के लिए दुविधा की कोई बात है ही नहीं कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। गाइस, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। यस, जैसे हो तुम वैसे रहना। यस गाइस, तो आप भी रूल्स को याद रखें मॉडल वर्ब के लिए। मॉडल वर्ब का तगड़ा रूल है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं तो इसको अंग्रेजी का अमिताभ बच्चन बोलता हूँ, अंग्रेजी का अमिताभ बच्चन में से बोलता हूँ मॉडल वर्ब को, खासकर इसी वजह से, इसकी इसी क्वालिटी की वजह से मुझे इसका ये गुण बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। किसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अरे वाह। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, मोहब्बत फिल्म का ये डायलॉग शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के बीच में बड़ा फेमस हुआ। मुझे गुरुकुल में कोई बदलाव पसंद नहीं है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं, इनको भी कोई बदलाव पसंद नहीं है, इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना होता है बच्चों, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा विदाउट एनी चेंजिंग। यस गाइस, सो क्यों डरना, किस बात से डरना। ओके गाइस, सो बढ़िया, आगे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे शुरू करते हैं कहानी। अब मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित कुछ कहानी सुनाऊंगा, कहानी बड़ी प्यारी है बच्चों, इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें भूत भी आएंगे तो। यस, डर मत जाना आप लोग, मजाक कर रहा हूँ, कहीं आप वीडियो छोड़ के भाग जाएं। बच्चों कुछ ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी दो नाउन आपको दिख जाए एंड से जुड़े हुए या दो प्रोनाउन आपको दिख जाए एंड से जुड़े हुए, तो आप समझ जाएं कि आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। क्या बच्चों आपको सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब पता है ना खूब अच्छे से, मैं एक बार लिख के मिटा रहा हूँ यहाँ पे। यस, आप लोग उनको देख लीजिएगा। सिंगुलर वर्ब में आपके आते हैं इज, वोज, डज, हैज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। प्लूरल वर्ब में आपके आया करती है आर, वर, डू, हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पांच इस हाथ पे लिख लेना और पांच इस हाथ पे लिख लेना, ये 10 मॉडल, 10 आपकी वर्ब पूरी होती हैं, 5 सिंगुलर हैं, 5 प्लूरल हैं। और जहाँ भी बैठे हो बस वहीं बैठे बैठे रटते रहना, ये आपके कहना कि ग्रामर मेरी मुट्ठी में है, बिल्कुल मुट्ठी में रहेगी बच्चों ग्रामर आपकी, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, पूरी मुट्ठी में आपकी ग्रामर होगी। इस गाइस, तो यहाँ पे गाइस, अगर आपके दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों एंड से, तो आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब गाइस, यहाँ पर अगर दो नाउन या प्रोनाउन, दो नाउन ही कहूँगा बल्कि, एंड से जुड़े हों और उनमें से पहले वाले से पहले कोई डिटरमाइनर लगा हो,
ए एंड द, बहुत सारे मैंने कहानी सुना है। डिटरमाइनर का प्ले पार्ट वन देखेगा, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से होते हैं डिटरमाइनर्स। तो यहाँ आपको सोच समझ के लगाना होगा वर्ब कि सिंगुलर वर्ब लगाऊं या प्लुरल वर्ब लगाऊं। यस गाइस, बहुत सोच समझ के। कई बार अगर पर्सन्स के नाम दिए गए हैं, मान लीजिए दो पर्सन दे दिए, तो आपको डिपेंड करता है कि वो दोनों जेंडर सेम हैं या नहीं। अगर वो जेंडर सेम है तो सिंगुलर वर्ब, सेम नहीं है तो प्लुरल वर्ब। मैंने कहा माय टीचर एंड फादर, यहाँ पर जेंडर ही क्लियर हो रहा है बच्चों टीचर का। हो सकता है कि मेरे पापा ही मेरे टीचर हों, अब आप सिंगुलर वर्ब लगाने वाले हैं। मैंने कहा माय फादर एंड मदर, यहाँ जेंडर क्लियर हो चुका है, पापा का भी मम्मी का भी प्लुरल वर्ब लगाना है। यस गाइस, तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए ध्यान देना, जैसे कि मैंने कहा माय टीचर एंड फादर। अब गाइस यहाँ पर क्या एक मुसीबत सामने आई मेरे, कि मुझे यहाँ टीचर का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि टीचर कौन है ये। यस गाइस, पापा है मेरे टीचर या फिर कोई और है, क्योंकि यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं हो रहा जेंडर टीचर आने से कि ये लेडीज है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, वो मेरे खुद के पापा भी हो सकते हैं। तो पापा ही हो सकते हैं मेरे टीचर, इसलिए मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मैं कहूँ माय फादर एंड मदर, अब यहाँ गाइस मेरे पापा मेरी मम्मी नहीं हो सकती हैं। मेरे पापा मेरी मम्मी के जैसा मुझे प्यार दे सकते हैं, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी नहीं हो सकते। यहाँ जेंडर डिफरेंस है बहुत बड़ा। सो गाइस यहाँ पे आप लगाने वाले हैं प्लुरल वर्ब। ये जो उन किताबों में लिखा हुआ है ना कि मतलब जब दो नाउन एंटेसिडेंट होंगे तो सिंगुलर वर्ब प्लुरल वर्ब आएगी, जब दो नाउन एंटेसिडेंट होंगे और पहले वर्ड से पहले आर्टिकल हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अरे ना 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 रे, हमसे ना हो पाएगा बच्चों। ये चीज़ कहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं। गाइस अगर जेंडर यहाँ बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं तब बात लेता है, अगर दोनों से पहले ही आपका नाउन आ जाए डिटरमाइनर आ जाए तब आप प्लुरल वर्ब लगाएं। अगर दो नाउन जुड़े हो हमारे एंड से, ओके गाइस, और दोनों से पहले ही आ जाए डिटरमाइनर, क्या आ जाए आपका डिटरमाइनर, तब आप प्लुरल वर्ब लगाइए, बिंदास लगाइए। यस गाइस, अब यहाँ पे अगर दो नाउन जुड़े हो हमारे एंड से, किससे जुड़े हो, दो नाउन हमारे एंड से, और गाइस यहाँ पर दोनों नाउन वो एक दूसरे पर डिपेंड हो या इंडिपेंड हो, अब जरा इसकी कहानी सुन लीजिएगा अलग से। अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड है तब तो आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब, और अगर वो इंडिपेंड है, यस गाइस, तब आपको लगानी है प्लुरल वर्ब। यस, अब जरा आप कहेंगे सर इसका भी एक एग्जांपल बता दो, जहाँ पे इतना सब बता रहे हैं तो कहाँ जा रहे हो। नहीं जा रहा कहीं बच्चों, बता के जाऊँगा, रोक लिया आपने मुझे तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा टू एंड टू डैश फोर, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है बच्चों बच्चों के लिए। ऑप्शन दिया उसने आपको मेक मेक्स मेकिंग मेड। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या है, ये आपको पता है एनजी फॉर्म तो खैर आने से रही, क्योंकि एनजी फॉर्म है आपकी हैंडीकैप वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के ये नहीं आएगी। ये बात मैंने आपको बता दी, नहीं बता दी बच्चों, नहीं बताइए तो ही बताने वाला हूँ, चिंता ना करें बच्चों। यहाँ पर ध्यान से मैंने ऐसा बताया बच्चों कि जब दो नाउन जुड़े हों एंड से और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड, बच्चों ये डिपेंड ही तो हैं, चार होने के लिए दोनों को होना जरूरी है, ताली हिखासी नहीं बसती है। कुछ बच्चे बजा जाते हैं, वो मैं नहीं हूँ, वरना मैं यहाँ ना बैठा होता आज, इंडिया गुड टॉयलेट में बैठा होता, इंडिया गुड टॉयलेट नहीं बच्चों, इंडिया गुड टॉयलेट में बैठा होता। किस गाइस, तो यहाँ पर टू एंड टू डैश फोर, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, और अगर डिपेंड है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। बिंदास लगाइए, बिना सोचे समझे किताबों में क्या दिया हुआ है सब भूल जाइए आप लोग, इसी को चेक करने वाला है एसएससी आपका। मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं, दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू मेक्स फोर, नॉट मेक फोर। कई सारी किताबों में मैंने देखा कहीं मेक कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। गाइस यहाँ पे अगर वो डिपेंड नहीं है एक दूसरे पर तब आप प्लुरल वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों आप उनके लिए, प्लुरल वर्ब लगाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अपने साथ एग्जाम में लेकर के जाएँ, तभी आपका भला होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी, मेरा कहना है बच्चों देखिए बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान बड़ा नहीं बनता है, छोटी छोटी बातों को जब समझने लग जाए तब वो बड़ा बनता है। गाइस क्लोज टेस्ट के लिए 10 नंबर का पोर्शन, जिसको आप चुटकियों में ले लेते हैं हल्का सा, सोचते हैं कि ये तो मैं कर ही लूँगा, आप सोचते हैं कि बस इन तीन टेस्ट से हो जाएगा क्लोज टेस्ट सॉल्व, वीडियो डाल दी किसी बंदे ने ऐसा करके, ऐसे आपने भी सोच लिया चलो चलते हैं। बच्चों ऐसा कोई ट्रिक नहीं है वास्तव, मेरे पास भी नहीं है। यस हाँ, ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग कर सकते हैं कई बार अप्लाई, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, हौसला बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताई बच्चों ट्रिक, और ये ट्रिक वर्क करती है, ये तो डेफिनेटली वर्क करती है बच्चों। क्योंकि होंगे बहुत सारे टीचर जिन्होंने क्लोज टेस्ट सॉल्व कराया है इक्का दुक्का, मैंने इक्का दुक्का नहीं कराया, मैंने पूरी किरण बुक से 1130 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट को सॉल्व कराए हैं,
एमबी बुक 1997 से 2020 तक की मैंने सोल्व कराई है, उसके अंदर भी क्लोर टेस्ट आए होंगे, ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर नहीं आएंगे। तो मतलब मैंने कम से कम 2-3 हज़ार क्लोर टेस्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। सो गाइज, मैंने वहाँ पर एक ट्रिक बड़ी प्यारी देखी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगा वीडियो के एंडिंग में, लेकिन अभी तो इसका एक पार्ट और आएगा गाइज, इसलिए मेरी बात चलती रहेगी कंटिन्यू। अभी तो मुझसे जुड़े रहना, आपको मेरी जरूरत है, आपको कहीं मत जाना, अभी मेरी जरूरत पड़ेगी। बच्चों बैठ जाओ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में आपको दिए गए हों दो सिनोनियम्स, क्या दिए गए हों, दो सिनोनियम्स, स्पेलिंग मेरी लगता है मेरी रोंग हो चुकी है, सिनोनियम्स, चलो जो भी होगी, यस गाइस, अगर ऑप्शन में दिए गए हैं दो सिनोनियम्स तो वो कभी आंसर आपका नहीं हो सकते। यस, पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित एक बात बता रहा हूँ, जरा अप्लाई करके देख लीजिएगा बच्चों, अप्लाई होगा। अगर किसी भी सेंटेंस के चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं तो वो आपके आंसर नहीं होंगे। मैंने अभी अभी थोड़ी पहले क्लोर टेस्ट का वीडियो डाला है, सोल्व करा हुआ, किरण मुख से ही है, वहाँ मैंने स्ट्रिक को अप्लाई करके दिखाया बाकायदा, जाके देखिएगा उसको, आपको मज़ा आने वाला है। यस गाइस, और अगर कभी भी बच्चों ऑप्शन में आपको मिल जाए दो एंटोनियम्स, क्या मिल जाए, दो एंटोनियम्स, तो गाइस उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ये ध्यान रखें। उसने कह दिया आपसे फ्रेंड और एनिमी, तो गाइस ये कन्फर्म है कि इन्हीं में से कोई एक आंसर है आपका, डेफिनेटली इनमें से कोई एक आंसर है। आप ज़्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ऐसा बहुत बार आपके साथ होता है बच्चों, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए आपका चाहिए वोकैबुलरी पोर्शन मजबूत, उसके लिए ही है ये ट्रिक, जो वोकैबुलरी वाले आपके क्लोटेस आते हैं उनके लिए ट्रिक्स है बच्चों। ये ग्रामर बेस तो आप लपेट देंगे, मेरी इन तीन वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, ईश्वर ने चाहा तो मैं लास्ट वीडियो आपके आएगी इसके बाद में, अभी तो खैर यहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इससे जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं ग्रामर के सभी रूल फिनिश करके आगे बढ़ जाऊंगा क्लोटेस पर, लेकिन इसे तीन वीडियो गाइज आपको क्लोटेस का किंग बना देंगे। मैं तीन ट्रिक नहीं कर रहा हूँ, मैं तीन वीडियो कह रहा हूँ बच्चों, आपसे ध्यान देना। यस गाइज, तो क्लोटेस पे पकड़ बनानी है, 20 नंबर का क्लोटेस अगर चाहिए आपको, उसमें से 20 नंबर आपको चाहिए, तो इतनी तो मेहनत बच्चों बनती है आपकी तरफ से, इतने कम में काम नहीं चलने वाला है। ओके गाइज, जरा और चीज़ें देखेंगे हम लोग वापसी कुछ आए हुए क्वेश्चंस की, एक दो क्वेश्चन और मैं चुरा कर लाया हूँ आपके लिए बुक से, एक सेंटेंस और देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे यहाँ से सेंटेंस तो है, साथ ही साथ आपको एक छोटा सा रूल देके जाऊँगा, द यंग डैश टू हेल्प द नेशन। अब यहाँ पर आपको डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब लगानी है, आर इज हैज या वाज। गाइज मैं आपको बताऊँ, अगर आपको लग रहा है ऑप्शन, आपके पास 5 सेकंड आप ऑप्शन दीजिए पहले इसका, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। चलिए, अब आपने जितने भी जो आंसर दिए अपने आंसर मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही गया या नहीं गया, जिसका सही गया है वो अपनी पीठ खुद थपथपा लीजिएगा ऐसे बैठ करके, और मेरी भी ऑनलाइन थपथपा दीजिएगा लाइक करके। यस गाइस, गाइस यहाँ पे आपका आना है आर, क्या आना है बच्चों, यहाँ पे आपकी जो वर्ब आएगी यहाँ पर आपका आएगा आर, क्यों आएगा आर बच्चों, अब इसके लिए एक बड़ी बात समझिए मेरी, इन्हें तो मैं लिखा रहने दूंगा, चलो लिखा रहने देते हैं बच्चों, ध्यान देना, एडजेक्टिव के साथ में कभी भी अगर आपका आर्टिकल लगा हो द, तो ये काम करता है प्लूरल नाउन की तरह, किसकी तरह काम करता है बच्चों, प्लूरल नाउन की तरह। उसने कहा ना द यंग, इसका मतलब है नवयुवको, क्या बच्चों, नवयुवको, जितने भी नवयुवक हैं आपकी मेरी उम्र के सब नवयुवक, मुझे नवयुवक में गिनना भी बच्चों, यस, जितने भी नवयुवक हैं वो सब, जब राहुल गांधी अपना आपको 46 साल का होकर युवा सरकार बोल सकता है, हम तो अभी 32 के ही हैं बच्चों, तो नवयुवक में गिने अपने आप को आप लोग। गाइस यहाँ पे द यंग, उसने कहा द ओल्ड, बूढ़े, द रिच, अमीरो, द पुअर, गरीबो, जितने भी ऐसे वर्ड है बच्चों जिनके साथ में आप एडजेक्टिव से पहले द लगा सकते हैं, वो सभी के सभी आपके लिए काम करते हैं प्लूरल नाउन का। यस गाइस, इसके साथ में आने वाली वर्ब आपकी हमेशा प्लूरल ही रहती है, इस रूल को बच्चों लिख लो, सुन के काम नहीं चलने वाला है, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन और प्लस प्लूरल वर्ब में से कहूंगा, जैसे कि एक सेंटेंस और मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर डे बाय डे, रिचर एंड रिचर डे बाय डे। गाइज यहां से भी एक छोटे से रूल मैं आपको बता दूंगा, उसे भी लिख लीजिएगा हतवाती, कभी भी बच्चों गेट के बाद, किसके बाद में, गेट के बाद में या बिकम के बाद में, कभी भी गेट के बाद या फिर बिकम के बाद आपको कोई डिग्री लगानी पड़े तो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री लगेगी, इस बात का ध्यान रखना बच्चों, हमेशा क्लोर टेस्ट में कई बार कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है आपके सामने, इसलिए आप 100% तैयार रहिए बच्चों, जिंदगी का यही उसूल है, 100% दीजिए,
100% लीजिए। आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, आप 100 रुपये का नोट देकर उससे कुछ सामान लेते हैं, 99 रुपीज़ का सामान है, आप 1 रुपये की टॉफी या 1 रुपया वापस लेकर आते हैं, आप उस पर 1 रुपया नहीं छोड़ कर आते हैं गाइस, और 1 रुपया छोड़ना भी नहीं चाहिए। यही उनकी पॉलिसी होती है कि अगर 1-1 रुपया करके दिन में 100 ग्राहक भी पैसा छोड़ गए अपना, तो ये 100 रुपये आपके पास अलग से आ गए हैं और उन्हें पता नहीं कितने प्रोडक्ट आपसे खरीदे होंगे। यस गाइस, 1 रुपया भी नहीं छोड़ते अपना, आप क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो आपका अपना अधिकार है। 100% दीजिए, 100% दीजिए। आपने वहाँ पर 100 रुपीज़ दिए हैं, आप 100 का सामान लेकर आ रहे हैं, आप यहाँ पर भी 100% दीजिए, आपके 100 मार्क्स आएंगे, मैं लिख के देता हूँ बच्चों। बस जुड़ रही है हमसे, और मैं आपके लिए इसका एक पार्ट 3 भी अपलोड करूँगा, क्योंकि पार्ट 2 में मेरी बात खत्म नहीं हो पाई है, मुझे उम्मीद थी कि खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, अब ये पार्ट 3 तक खींचेगी बात यूँ ऐसे करके। बच्चों मैं ख़त्म करने पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पूरा करने पर, थोड़ा सा तो दिक्कत होगी आपके लिए, लेकिन बच्चों मैं ये दिक्कत उठाऊंगा और आपको भी उठानी पड़ेगी। और मेरे कहने पर बस फिर मैं कहूंगा, अपनी इस वीडियो में बोल रहा हूँ बच्चों को बिंदास, मैं नहीं सर पा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा बच्चों को। बच्चों यहाँ मेरा हक बनता है आपसे अपनी बात बनवाने का, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना दोस्तों शेयर कीजिएगा। और गाइज किसी को भी पेड कोर्स संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो क्लोड टेस्ट का हो, PQRS का हो, कोई भी किसी भी टॉपिक का हो, आपका अलग से इंडिविजुअल लेना हो, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लोड टेस्ट का अलग से पूरा सीरीज चल रहा है, जिसमें 100 क्लोड टेस्ट आपको आज कहोगे आज भेज दिए जाएंगे, कल कहो कल भेज दिए जाएंगे, जैसे आप कहोगे तुरंत भेज दिए जाएंगे पूरे के पूरे इकट्ठे ही। यस गाइस, तो पूरा 100 क्लोड टेस्ट का हमने एक पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है वहाँ पहले से ही, यहाँ तो आपका चलता रहेगा 1 बाय 1 धीरे धीरे, लेकिन वहाँ अपलोड हो चुका है गाइस। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।